हेलो एवरीवन, आज है 9 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं DHFL के बारे में, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। देखिए, आज 9 सितंबर को ये शेयर तकरीबन 10% की बहुत बड़ी उछाल लेकर बैठा हुआ था। देखिए, प्रीवियस क्लोज 46.60 रुपीज था, ओपन गिरावट के साथ ओपन हुआ था 45.90। और तभी थोड़ी देर बाद जैसे ही इसने बढ़िया सी पिकअप पकड़ी, क्योंकि एक बड़ी खबर आई थी इसको लेकर। मैं उतनी बड़ी नहीं कहूंगा इसको, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव न्यूज आई थी और उस न्यूज के चलते स्टॉक 52 रुपीज के करीब पहुंच गया था। 52 रुपीज के करीब, आप चार्ट देख सकते हैं, 52 रुपीज के करीब शेयर पहुंचा, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूस इसमें गिरावट आई और एंड ऑफ द डे 48.95 रुपीज के ऊपर ये स्टॉक क्लोज हुआ है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर वो खबर कौन सी थी और आने वाले दिनों में DHFL पर क्या हम भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो DHFL, जैसे कि आप देख सकते हैं कि तकरीबन 49 रुपीज के करीब ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आज 5% कि तेजी के साथ क्लोज हुआ है, लेकिन एक वक्त था जब ये तेजी 10% की थी आज ही के दिन। और पिछले एक हफ्ते की हम बात करें तो पिछले एक हफ्ते में DHFL का जो शेयर है उसमें तकरीबन 3% का ग्रोथ है, उसमें आज की बदौलत काफी बड़ी तेजी आई है। एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में 0.72% का ग्रोथ है। इस बीच अप्स एंड डाउन काफी आई है, 39 रुपीज तक का लो है और 49 रुपीज तक का हाई है जो अभी बनता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि इससे पहले बना था, लेकिन तेजी आई, आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जहां था वहीं पर आके अटका हुआ है। एक बड़ी गिरावट आई और वापस से बाउंस बैक भी कर लिया। एक साल की बात करें तब स्थिति हमें ज्यादा समझ में आती है, 92% से ज्यादा की गिरावट लेकर बैठा हुआ है। 650 रुपये तक का हाई यहाँ पर बनाया था एक साल पहले और 39 रुपीज तक का लो भी है। चार्ट आप देखेंगे कि देखिए शार्प फॉल आया था इसमें और उसके बाद थोड़ी बहुत सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन अगेन जितनी तेजी आती है उससे कई ज्यादा इसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। आज अगर हम बात करेंगे तो DHFL की, अगर हम बात करेंगे तो अगर का देखिए 10% का जो ग्रोथ हमें इसमें देखने को मिल रहा है, उसका रीजन था कि डीएसपी म्यूचुअल फंड जो है उसका जो पैसा इनका बाकी था वो इन्होंने म्यूचुअल फंड का जो कर्जा था वो चुकाया है इन्होंने, और इसको लेकर आज अच्छी खासी रैली थोड़ी बहुत देखने को मिली। देखिए, शेयर ऑफ DHFL फाइनेंस रैली 10% इंट्राडे ऑन सितंबर 9 आफ्टर फुल रिपेमेंट ऑफ डेट टू डीएसपी म्यूचुअल फंड। तो डीएसपी म्यूचुअल फंड का जो पैसा था उसका पूरा का पूरा रिपेमेंट इन्होंने कर दिया था। एक अच्छा मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश हुई है। यहाँ पर देखिए, डीएसपी म्यूचुअल फंड सेड दैट द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हैड पेड द एंटायर पेंडिंग अमाउंट। ये उन्होंने डीएसपी म्यूचुअल फंड ने ये बात बताई है सीएनबीसी TV18 को। द म्यूचुअल फंड हाउस हैज एन एक्सपोजर ऑफ ₹150 करोड़ टू कमर्शियल पेपर इन DHFL। तो देखिए, डीएसपी म्यूचुअल फंड का DHFL में 150 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है एज अ कमर्शियल पेपर के तौर पर। एंड DHFL ने कहा है कि DHFL हैज सेड हैड पेड सॉरी DHFL पेड ₹75 करोड़ इन जून एंड द रिमेनिंग अमाउंट वॉज पेड ऑन सितंबर 7। तो देखिए, 150 करोड़ का जो एक्सपोजर था डीएसपी म्यूचुअल फंड का, उसमें से जो 75 करोड़ रुपए है वो DHFL ने डीएसपी म्यूचुअल फंड को पे किए थे जून महीने में, और बाकी का जो अमाउंट है वो 7 सितंबर मतलब 2 दिन पहले इन्होंने पे किया है। तो काफी अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज है कि एटलीस्ट उन्होंने जो रीपेमेंट्स है ये कंपनी कर रही है। इन एडिशन द लेंडर्स आर कंसिडरिंग ₹7,000 करोड़ इन इमरजेंसी फंडिंग टू डेप्ट लेंडिंग फाइनेंस DHFL। इवन द क्रेडिटर्स डिसाइड ऑन द फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ डेप्ट टू इक्विटी विच इज अ की पार्ट ऑफ द प्रपोजल ऑफ द रिस्ट्रक्चरिंग प्लान। इकोनॉमिक टाइम्स को ही बताया गया है। देखो, जैसे कि अगर आपको पता हो कि इसमें तेजी देखने को मिली, 39 रुपए से शेयर में बढ़िया तेजी आई थी, क्योंकि इन्होंने रिजोल्यूशन प्लान है वो सामने रखा था और वहां पर जो चीज है डेट इनटू इक्विटी को कन्वर्ट करने की जो कोशिश थी, वो जो प्लान यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, उसकी वजह से थोड़ी बहुत हमें तेजी उस दिन देखने को मिली थी। और यहाँ पर देखिए, तो सेपरेटली म्यूचुअल फंड्स आर लाइकली टू साइन द इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट फॉर DHFL सिटिंग
A regulated rider known as the side pocketing or the stress assets, only the Tata Mutual Fund, which has already compiled with the regulatory agreed to the part of ICA reports it. तो देखिए यहाँ पर अभी काफी सारी चीजें इसमें चल रही है, चाहे वो डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करने की कोशिश हो, और तो और फर्दर जो जिन लोगों ने यहाँ पर पेमेंट की जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, जैसे कि देखिए डीएचपी म्यूचुअल सॉरी डीएसपी म्यूचुअल फंड अकेला नहीं है जिसने डीएचएफएल में अपना पैसा लगाया है, और भी काफी लोग हैं, और उनकी भी जो रीपेमेंट है वो भी आने वाले दिनों में हमेशा आपको हमें देखने को मिलेगी, और काफी ज्यादा पेमेंट्स को इन्होंने डिफॉल्ट भी किया हुआ है। अगर हम बात करेंगे डीएचएफएल में तो 1,540 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप है, स्मॉल कैप स्टॉक है ये। एनएससी में अगर हम बात करेंगे तो एनएससी में आप देखिए तकरीबन 2.5 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। नतीजे जो मेरे लिए हाल फिलहाल में काफी ज्यादा दिक्कत की और चिंता की बात है डीएचएफएल को लेकर, वो है इनके क्वार्टरली नतीजे। देखिए मार्च में उन्होंने लेट नतीजे पोस्ट किए थे, दो बार इन्होंने नतीजे की तारीख को पोस्टपोन किया था, और जब नतीजे इनके आए थे तब 2,230 करोड़ का इनको नुकसान इन्होंने रिपोर्ट किया था। जून में भी सेम वही हालत है, जून के नतीजे जो है वो एक्चुअली उनको अब तक पोस्ट कर देने चाहिए थे लेकिन उन्होंने उसको पोस्ट नहीं किया है। उन्होंने बताया है कि वो 14 सितंबर को इसको पोस्ट करेंगे, मतलब आज से 5 दिन बाद हमें डीएचएफएल के क्वार्टरली जो नतीजे हैं वो मिल जाएंगे, तो उसके ऊपर काफी ज्यादा दमखम टिकता है। अगर नतीजे थोड़े बहुत बेटर आते हैं तो डेफिनेटली हमें स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन नतीजे अच्छे नहीं आते तो हम सबको पता है कि डीएचएफएल और कितना डीप इसमें जा सकता है। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर्स के पास 39.21% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 11.26% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट इसमें से एग्जिट हो चुके हैं, जो पहले 1.09% की होल्डिंग लेकर बैठते थे अब वो सिर्फ 0.02% के साथ रह गए हैं। एफआईएस ने भी बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी कम की है, और इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 45.64% की होल्डिंग है, अदर डीएस के पास 3.87% की होल्डिंग है, प्रमोटर्स के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है, 6 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 117 एफआईएस भी इसमें इन्वेस्टेड है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 33.76% है, डिविडेंड डेफिनेटली 25% का है लेकिन अभी तक डिविडेंड को लेकर कोई अपडेट नहीं आई है। यहां पर अगर हम बात करें, अगर मैं मनी कंट्रोल में जाऊं तो 82% बाइंग रेटिंग है, 14% सेलिंग इसमें रिकमेंडेशन है, 4% होल्ड रिकमेंडेशन देखने को मिल रही है, और अगर हम बात करें डीएचएफएल के फाइनेंशियल्स की तो देखिए कर्जा इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा चढ़ चुका है। यहां पर इसी साल मार्च 2019 तक का जो कर्जा है वो 92,600 करोड़ के आसपास का है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में वो कर्जा 1,00,000 करोड़ तक बढ़ चुका है, 1,00,000 करोड़ तक वो कर्जा बढ़ चुका है, टोटल असेट्स भी उनके पास तकरीबन उतने ही है। और यहाँ पर अगर हम बात करें डीएचएफएल में म्यूचुअल फंड की तो ज्यादा सिर्फ और सिर्फ मोतीलाल ओसवाल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल कि डीएचएफएल में आखिर क्या करें। तो देखिए मैं यही कहूंगा कि डीएचएफएल हाल फिलहाल में काफी रिस्की शेयर है और न्यूज बेस्ड शेयर है ये, हाल फिलहाल में अगर इसमें कोई अच्छी न्यूज आ जाएगी तो थोड़ी बहुत तेजी हमें देखने को मिल जाएगी, अगर बुरी न्यूज आएगी तो शेयर में गिरावट आ जाएगी, जैसे कि अगर किसी लोन को रीपेमेंट इन्होंने नहीं किया, 14 सितंबर को इनके जो नतीजे आने वाले हैं वो अगर अच्छे नहीं आए तो गिरावट आ जाएगी, और तो और कोई और नया चीज अगर इसमें निकल के आ गया तो भी स्टॉक में हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को आएगी। और मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि देखिए एक वक्त एक ही झटके में स्टॉक में 10% की आज तेजी आ गई, ठीक है, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट आई, मतलब इसने मेंटेन नहीं किया, ये कहीं ना कहीं एक अच्छी साइन मुझे नहीं दिखाई दे रही है इसको लेकर। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए रिस्क काफी ज्यादा है डीएचएफएल में, और जो दिक्कत है कि अभी तक इन्होंने लोनिंग स्टार्ट नहीं की है, और तो और इनके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है, और ज्यादातर लोगों का पैसा यहाँ पर जो है उनका फंसा हुआ है, रीपेमेंट्स होने में टाइम लग रहा है या नहीं हो रही है, ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न डीएचएफएल में जरूर है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो डेफिनेटली स्टॉक को इफेक्ट करेगी, स्टॉक को ऊपर नीचे करेगी, गिराएगी, तो मैं यही कहूंगा कि रिस्की शेयर है, बेटर है कि अभी हाल फिलहाल में डीएचएफएल में हाथ बिल्कुल भी न डाला जाए, भले इसमें थोड़ी बहुत तेजी आ सकती है, देखिए क्योंकि ये न्यूज बेस्ड ट्रेड कर रहा है तो थोड़ी बहुत तेजी न्यूज के आधार पर आ सकती है, लेकिन इसको आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ लेकर बिल्कुल भी नहीं चल सकते हैं। जैसे कि अगर रिजोल्यूशन प्लान दे दिया तो चलो तेजी आ गई, लेकिन अगर नतीजे बुरे आ गए तो क्या कर लोगे, हो सक फिर वापस से काफी बड़ी गिरावट कभी आपको सामना करना पड़ेगा,
तो मैं यही कहूंगा DHFL में कि जल्दबाजी ना करें खरीदारी करने के लिए, होल्ड करें, और जब तक कोई अच्छी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाली कोई न्यूज़ नहीं आती तब तक इसमें खरीदारी करने के लिए जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और DHFL के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।